हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कलमा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और उसके अंदर स्टडी कर रहे थे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के। प्रीवियस क्लास के अंदर अपने फेरिंक्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? फेरिंक्स के बारे में, ठीक है। आज अपने स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? लैरिंग्स। कि लैरिंग्स क्या होता, ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, इसे क्या कहते हैं? लैरिंग्स को ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने लैरिंग्स का, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स का, ठीक है, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर बताया। फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होता है? एपिग्लोटिस। यहाँ पे क्या होता है? एपिग्लोटिस। और जो ऊपर थायराइड पिच के ऊपर जो कार्टिलेज होता है, यहाँ पे होती है हायड बोन। क्या पे होती है? यहाँ पे हायड बोन। और हायड बोन के नीचे की तरफ होता है थायराइड पिच, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है आर्टेनोइड्स कैलिफॉर्म। और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है आपको? ट्रेकिया। और ट्रेकिया के जो ऑपोजिशन में क्या कैरिकोकोइड कार्टिलेज होता है, कैरिकोइड्स कार्टिलेज होता है। और कैरिकोइड कार्टिलेज के ऊपर क्या होता है? थायराइड कार्टिलेज होता है, ठीक है। और थायराइड कार्टिलेज के ऊपर क्या होती है? थायराइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स का। लैरिंक्स का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स। इज दैट क्लियर? क्या है लैरिंक्स का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है डियर। एंड इसके बारे में अब देखते हैं आगे की ये होगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसके बाद में स्टडी करेंगे इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी पोजीशन क्या होती है? अब देखते हैं इसकी पोजीशन। लैरिंग्स कहां कहां में जुड़ा होता है, इसकी कैसी पोजीशन होती है, कहां सिचुएटेड होता है लैरिंग्स, ठीक है। तो देखते हैं पोजीशन, ठीक है, देखते हैं पोजीशन। पोजीशन का लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द अबो फेरिंक्स एंड बिलो ट्रेकिया, ठीक है। क्या से एक्सटेंड होता है? एक्सटेंड फ्रॉम द फेरिंक्स, ठीक है। कहां से होता है? फेरिंक्स से एक्सटेंड होता है। कहां से होता है? फेरिंक्स से एक्सटेंड होता है। और बिलो कहां तक जाता है? ट्रेकिया के बिलो कहां तक जाता है? बिलो ट्रेकिया तक जाता है। और वहां से थर्ड फोर्थ और सिक्स, मतलब थर्ड से सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, और थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। थर्ड टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक या वहां तक एक्सटेंड होता है, ठीक है डियर। वहां तक क्या होता है? एक्सटेंड होता है। कौन सी? सिक्स, सी थ्री टू सिक्स, सी सिक्स तक, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा थ्री और सर्वाइकल वर्टिब्रा सिक्स तक क्या होता है? एक्सटेंड, वहां तक एक्सटेंड बिलो होता है। तो ये होती है लैरिंग्स की पोजीशन। कहां तक होती है? कि फेरिंग्स के एक्सटेंड फ्रॉम द बिलो द फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है खत्म होता है, वहां से लैरिंग्स स्टार्ट होता है बिलो द फेरिंग्स एंड अबो द ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर तक, वहां तक लेवल ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। ओके, बिलो द फेरिंग्स एंड अबो द ट्रेकिया। फेरिंग्स के नीचे से ओके ट्रेकिया के ऊपर तक जो बीच का जो गैप होता, जो पोजीशन होती है, वहां पे क्या होता है? लैरिंग्स सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये थी इसकी पोजीशन लैरिंग्स की। अब देखते हैं पोजीशन के बाद में क्या होता है? एक ऑर्गन एसोसिएटेड। कौन क्या है? ऑर्गन एसोसिएटेड। कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए हैं? ऑर्गन एसोसिएटेड, ऑर्गन एसोसिएटेड, कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए हैं? फर्स्ट वन है सुपीरियर इंफीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है। तो क्या है सुपीरियर? क्या होता है सुपीरियरली? मैंने बताया था हायड बोन होए, ठीक है। सुपीरियरली मैंने क्या बोला था? लैरिंग्स के सुपीरियरली क्या होता है? हायड बोन होती है, ठीक है। क्या होती है? हायड बोन। और इंफीरियर नीचे की तरफ बोला था क्या था? ट्रेकिया था। नीचे की तरफ क्या था? ट्रेकिया, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है? ट्रेकिया। एंटीरियरली आगे की तरफ क्या है? लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या है? लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड,
लोब ऑफ थायरॉइड। एंटेरियली क्या है, बसस ऑफ नेक, सॉरी एंटेरियली क्या है, बसस ऑफ नेक, ऊपर आगे की तरफ क्या आ जाएगा, एंटेरियली बसस ऑफ नेक क्या आ जाएगा, एंटेरियली क्या आ जाएगी, बसस ऑफ नेक क्या आ जाएगी, बसस ऑफ नेक, बसस ऑफ नेक, नेक की बसस आ जाएगी। और पोस्टेरियर की तरफ, पोस्टेरियर लेरिंगो फेरिक्स, पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, लेरिंगो फेरिक्स, लेरिंगो फेरिक्स, लेटरल की दोनों लेटर की तरफ क्या आ जाएगा, लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, क्या आ जाएगा, लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये था अपने ऑर्गन कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर की तरफ क्या था, सुपीरियर भी ऊपर की तरफ था, हेड बहुत स्ट्रक्चर कर फर्स्ट क्लास में अभी जस्ट आगे देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट वन क्या था, हाइड बोथ थी, ठीक है, सुपीरियरली ट्रेकिया के ऊपर, इन्फीरियरली नीचे की सबसे नीचे की तरफ, लैरिंक्स के नीचे की तरफ क्या होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है, और एंटेरियरली आगे की तरफ क्या होता है, लैरिंक्स, यहाँ पे लैरिंक्स है तो आगे की तरफ क्या नेक की बसस आ जाएगी, आगे की तरफ क्या आ जाएगी, नेक की बसस ऑफ द नेक, एंड पोस्टेरियर पीछे की तरफ क्या आ जाएगा, लैरिंगोफेरिंक्स, फेरिका टाइप्स, ओरोफेरिंग डेजोफेरिंग लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। तो पीछे की तरफ क्या, पोस्टेरियर क्या आ जाएगा, पोस्टेरियरली लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है, और लेटरली दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, क्या आ जाएगा, लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड की लोब आ जाएगी, ठीक है, दोनों लोब आ जाएंगे थायरॉइड ग्लैंड के, ठीक है। तो ये है अपने इसका ऑर्गन एसोसिएटेड ऑफ द, क्या है, ऑर्गन एसोसिएटेड ऑफ द लैरिंक्स, लैरिंक्स के कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद में है एक डॉट करके है इसमें डाला हुआ, डॉट करके है कि क्या होता है कि जब अप टू प्यूबर्टी देर आर नो डिफरेंट बिटवीन साइज लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, क्या होता है जब तक प्यूबर्टी है, ठीक है, जब तक प्यूबर्टी है, ठीक है, जब तक प्यूबर्टी है तब तक फेरिंग्स एंड फेरिंग्स और लैरिंग्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी में क्या होगा, लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा, आफ्टर प्यूबर्टी यौनावस्था के बाद में क्या होगा, लैरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, लैरिंग्स और, बट आफ्टर प्यूबर्टी ग्रो लार्ज इन बेयर विच ग्रोन एज एडम या पर बीस इज द प्रोड्यूस डीप वॉइस, ठीक है, जो ये फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, लार्ज इसकी साइज ग्रो करती है, ठीक है, लैरिंग्स की साइज क्या करती है, ग्रो द साइज, ठीक है, लार्ज, ठीक है, साइज इसकी लार्ज होती है, ग्रो होती है, और इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है, जो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल किसके होता है, डीप वॉइस के लिए, बेल के अंदर डीप वॉइस के लिए, किसके लिए, बेल के अंदर डीप वॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किसके अंदर, बेल के अंदर डीप वॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लैरिंग्स, ठीक है, क्या होता है, ये समझने वाले की नोट करके लिख रहा है कि जब तक प्यूबर्टी होती है, व्हेनेवर प्यूबर्टी, तो फेरिंग्स एंड लैरिंग्स इट इज अ दो डिफरेंस, ठीक है, जब तक प्यूबर्टी है, बेल और फीमेल्स के अंदर जब तक प्यूबर्टी है, जब तक यौनावस्था है, तब तक कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा फेरिंग्स और लैरिंग्स के अंदर, आफ्टर द प्यूबर्टी, आफ्टर द यौनावस्था, ठीक है, जब तक आफ्टर द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी बात है कि 16 साल तक प्यूबर्टी, 18 साल तक प्यूबर्टी नॉर्मल है ना, तो 16 साल आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में क्या होगा, आफ्टर द प्यूबर्टी क्या होगा, ग्रो होगा साइज और लार्ज, ठीक है, ग्रो होगी साइज की और लार्ज साइज के अंदर किसकी, लैरिंग्स की और बेल, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स की और बेल के अंदर एडम एप्पल्स किसके नाम से जाना जाता है, जो किसके अंदर डीप वॉइस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो क्या करता है, डीप वॉइस करवाता है, ठीक है, बेल एंड पीपल के अंदर जो क्या करवाता है, डीप वॉइस, ठीक है। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर ऑफ, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंग्स, इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ वेरियस इररेगुलर शेप कार्टिलेज, क्या होता है इसमें, वेरियस इररेगुलर शेप कार्टिलेज होते हैं, क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस इररेगुलर कार्टिलेज, ठीक है, क्या होते हैं,
इरेगुलर कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से क्या होते हैं, इरेगुलर कार्टिलेज होते हैं। नंबर ऑफ फोर कार्टिलेज होते हैं कितने होते हैं, नंबर ऑफ फोर कार्टिलेज बेडली होते हैं, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट वन कार्टिलेज है जिसका नाम है, क्या का नाम है, थायरॉइड कार्टिलेज। क्या है, थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज। सेकंड वन होता है कार्सिको, कार्सिकोइड। क्या होता है, कैरिकोकोइड, कैरिकोइड्स, सॉरी कैरिकोइड्स कार्टिलेज। क्या होता है, कैरिकोइड कार्टिलेज, ठीक है, कैरिकोइड्स। थर्ड वन कार्टिलेज होता है एटेडोइड्स कार्टिलेज, ठीक है। कौन सा होता है, एटेडोइड्स कार्टिलेज, एटेडोइड्स, ठीक है, एटेडोइड्स कार्टिलेज। क्या होता है, एटेडोइड्स कार्टिलेज, कार्टिलेज। फोर्थ वन होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। फोर्थ वन क्या होता है, एपिग्लोटिस, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, जो बोल सकते हैं आप फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज बोल सकते हो, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो देखा आपने इसके अंदर की नंबर ऑफ फोर कार्टिलेज होते हैं किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स, स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स के अंदर क्या होता है, इट इज द कंपोज्ड ऑफ वेरियस, क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स के अंदर, क्या देखेंगे कि क्या होता है कि कंपोज्ड होता है वेरियस इररेगुलर कार्टिलेज होते हैं, कितने होते हैं, वेरियस इररेगुलर कार्टिलेज, नंबर ऑफ फोर कार्टिलेज। फर्स्ट वन थायरॉइड कार्टिलेज होता है, सेकंड वन कैल्सिकॉइड कार्टिलेज होता है, थर्ड वन होता है एटेडोइड कार्टिलेज, और फोर्थ वन होता है एपिग्लोटिस, जो फाइबर इलास्टिक कार्टिलेज भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है फोर कार्टिलेज, क्या बनाते हैं, चारों कार्टिलेज मिलकर क्या बनाते हैं, लैरिंक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लैरिंक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। दो अदर कार्टिलेज भी होते हैं, अदर कार्टिकुलेट एंड क्यूरिफॉर्म कार्टिलेज भी होते हैं अदर कार्टिलेज के अंदर, कौन कौन से होते हैं अदर कार्टिलेज के अंदर, अदर के अंदर फर्स्ट वन क्या होता है कार्टिकुलेट, ठीक है, कार्टिकुलेट, कार्टिकुलेट, और सेकंड वन होता है, सेकंड वन होता है क्यूरिफॉर्म कार्टिलेज, कौन सा होता है क्यूरिफॉर्म, क्यूरिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। सेकंड वन कौन सा होता है, तो कैटिकुलेस कार्टिलेज और क्यूटिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है, ये दोनों अदर कार्टिलेज के अंदर भी आ गए, ठीक है। तो ये है, ये मेनली होते हैं कार्टिलेज होते हैं जो किसका करते हैं अपने, क्या बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर होता है लिरिक्स का, स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एपिग्लोटिस क्या होता है, क्या अब देखते हैं एपिग्लोटिस क्या होता है, ठीक है। अब स्टडी क्या देखते हैं एपिग्लोटिस क्या होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस फोर्थ वन कार्टिलेज है, जो एपिग्लोट वेरी इंपॉर्टेंट है, एपिग्लोटिस, ठीक है, क्या है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होता है, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, इट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है ये बाय फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, बेड बाय किसका बड़ा होता है, बेड बाय फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का, ठीक है, किसका बड़ा होता है, बेड बाय फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बड़ा होता है, और क्या होता है, इट इज फ्लेक्सिबल, और क्या होता है, इट इज द फ्लेक्सिबल, ठीक है, और क्या होता है, इट इज द फ्लेक्सिबल एंड प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी, क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम फूड एंटर टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, फूड एंट्री टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फूड को जाने से रोकता है, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस इट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, एक पत्ते जैसी लीफ एंड पत्ती जैसी होती है, क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, एंड बेड बाय फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, किसका बड़ा होता है, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बड़ा होता है, और इट इज द फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है, और क्या होता है, एकदम फ्लेक्सिबल, और क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम द फूड को एंटर, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाने से फूड को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो खाना होता है, जो
क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर खाना जो फूड होता है एंटर नहीं होते, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, फूड को एंटर होने से, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर से, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फूड को एंटर होने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये था एपिग्लोटिस, स्ट्रक्चर ऑफ द एपिग्लोटिस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसके अंदर लैरिंक्स के अंदर नेक्स्ट वन है इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ, इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स क्या है, इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स, इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है। इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स की, इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स में इसमें क्या है कि बताया हुआ है कि वोकल कॉर्ड्स होता है, दिस इज द पेल फोल्ड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लिविंग द लाइक फ्री एड्स एंड स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज ग्लोटिस। वोकल कॉर्ड के बीच में स्पेस उसे क्या करता है, ग्लोटिस। इसमें बताया गया एब्रेडेड वोकल कॉर्ड जितना बसल्स वोकल कॉर्ड एंड ओपन द एयर वे लॉक इज साउंड आता है, ठीक है। इसका काम भी वैसे इन्फीरियर के अंदर, इसके फंक्शन के बारे में देखोगे तो भी वही इसका काम होते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन भी वही है, ठीक है। माना कि एब्डक्टेड क्या हुआ, वोकल कॉर्ड यदि एब्डक्टेड हुई, ठीक है, वोकल कॉर्ड क्या हुई, एब्डक्टेड हुई, ठीक है। माना कि वोकल कॉर्ड तो बसस क्या करे, ओपन होगा, क्या होगा, ओपन द एयर वे होगा, ठीक है, क्या होगा, ओपन द एयर वे होगा और आगे जाके क्या होगा, लो पिच साउंड आएगा, क्या आएगा, लो पिच साउंड आएगा, ठीक है, ठीक है। एंड यदि एब्डक्टेड वोकल कॉर्ड बसस वोकल कॉर्ड कॉन्टेक्ट हुई, ठीक है, इसमें क्या हुआ, कॉन्टेक्शन आता है, उसमें क्या हुआ था, रिलैक्स, ठीक है। ये बसस से जो अपडेटेड वोकल कॉर्ड हो गए बसस यहाँ की क्या हुई, रिलैक्स हुई है, क्या हुई है, रिलैक्स, क्या यहाँ पे क्या वेरी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, यहाँ पे क्या हुई, बसस क्या हुई है, रिलैक्स। यदि बसस रिलैक्स हुई है वोकल कॉर्ड की तो क्या होगा, ओपन एयर वे होगा और लो पिच साउंड आएगा। यदि यहाँ पे बसस कॉन्ट्रेक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है बसस के अंदर, कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या होगा, यदि बसस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या आएगा, हाई पिच साउंड आएगा, क्या आएगा, क्लोज एयर वे होगा। ऑपर की जगह यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एयर वे क्लोज हो जाएगा और क्या आएगा, लो की जगह हाई पिच साउंड आएगा, क्या आ जाएगा, हाई पिच साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स के अंदर क्या है कि एब्डक्टेड वोकल कॉर्ड होगा, क्या होगा, एब्डक्टेड वोकल कॉर्ड और यहाँ की जो वोकल कॉर्ड की जो बसस है यदि रिलैक्स होती है, यहाँ की बसस रिलैक्स होती है तो क्या होगा, ओपन द एयर वे होगा, ठीक है, ओपन एयर वे होगा और लो पिच साउंड आएगा, ठीक है। यदि दूसरी कंडीशन में कॉन्ट्रेक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, यदि यहाँ की वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन आता है, क्या आता है, क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, तो क्या होगा, क्लोज होगा एयर वे, क्लोज द एयर वे एंड हाई पिच साउंड आएगा, क्या आएगा, हाई पिच साउंड आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये था इन्फीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स। अब देखते हैं इसकी, अब देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई लैरिंक्स को कोड करता है, ब्लड है नर्व, नर्व सप्लाई, ठीक है, ब्लड और नर्व सप्लाई कोड करता है, मेनली सप्लाई बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, कोड करता है सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, ठीक है। जो लैरिंजियल आर्टरी होती है सुपीरियर इंफीरियर, जो लैरिंजियल आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है और नर्व सप्लाई, यहाँ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक, इसको क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ सुपीरियर रिकरेंट नर्व होती है, विच इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, सिम्पैथेटिक सिजू सर्वाइकल गैंग्लिया, ठीक है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसको नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई लैरिंजियल आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, लैरिंजियल आर्टरी के थ्रू इसका होता है ब्लड सप्लाई, ठीक है। और इसके लास्ट वन इसके देखें, यदि इसके लास्ट वन यदि इसके फंक्शन के बारे में देखें कि लैरिंग्स के क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, लैरिंग्स के फंक्शन के बारे में यदि स्टडी करेंगे तो इसके फंक्शन क्या होता है, फंक्शन लैरिंग्स तो फर्स्ट होते क्या, प्रोड्यूस करना साउंड का, ठीक है, क्या करना, आवाज का, साउंड का प्रोड्यूस करना, स्पीच का, स्पीच के लिए, किसके लिए, स्पीच के लिए, ठीक है, और किसके लिए होगा, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, स्पीच के लिए, एंड पासेस द एयर वे, और एयर वे को पासेस करवाने के लिए, और पासेस द एयर वे, पासेस द, ठीक है, फर्स्ट का प्रोड्यूस द साउंड या फिर प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है, क्या करना, साउंड का प्रोडक्शन करवाना, मोस्ट इंपोर्टेंट काम है,
प्रोडक्शन द साउंड का प्रोडक्शन करवाना, लैरिंग्स का मस्ट फंक्शन है स्पेस के लिए और पासेज द एयरवे, और एयरवे को पासेज रास्ता देने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट काम इज दैट, क्लियर।